धनबाद में अवैध 15 टन कोयला पुलिस ने किया जब्त, जांच में जुटी। धनबाद के तेतुलमारी थाना अंतर्गत नायकडी में देर रात अवैध कोयला जीपों कर लगभग 15 टन कोयला लदा एक ट्रक जब्त किया गया। ये छापेमारी धनबाद एडीएम चंदन कुमार और एसडीएम सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में की गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से कोयला इकट्ठा कर ट्रक के माध्यम से ले जाने की तैयारी थी। फिलहाल जब्त कोयला और ट्रक को तेतुलमारी थाना लाया गया। बागमारा डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने मामले में बताया कि जिला खनन अधिकारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। छापेमारी की गई है, इसमें जिला खनन पदाधिकारी साहब, जिला खनन पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया अभी चल रही है। उसमें एक ट्रक पकड़ी गई है और ट्रक के साथ कोयला है। किसी की गिरफ्तारी की भी सूचना है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी प्राथमिकी जो दर्ज होगी उसमें जो भी प्राथमिकी लिखी जाएगी उसमें प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई करेंगे। वहीं मामले में भाजपा धनबाद जिला कार्यालय समिति सदस्य पप्पू सिंह ने स्थानीय थाना की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जेएमएम के सरकार में कोयला चोरी चरम पर हो रहा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत है। इस दिशा में वरीय अधिकारियों को जांच करनी चाहिए। इस विषय पर यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विपक्षी लोग यूं ही बदनाम करते हैं कोयला तस्करी या विभिन्न मामलों के अपराध में, लेकिन जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है इसमें कोयला का अवैध धंधा चरम सीमा पर पहुंच गया है। और ये छानबीन होनी चाहिए कि आखिर जो कोयला तस्कर पकड़े जा रहे हैं पूर्व में भी और कल जो वर्तमान में पकड़े हैं, तो इस पीछे झारखंड मुक्ति मोर्चा का कौन नेता या कार्यकर्ता है। और ये थाना प्रभारी जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं इनके नेतृत्व में कंबल ओढ़ के घी पी रहे हैं, इनके नेतृत्व में कोयला चोरी इनके थाना क्षेत्र में होती है। धनबाद जिला के लॉ एंड ऑर्डर एसडीएम एसडीओ आकर पकड़े, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रशासन के आला अधिकारी से मैं मांग करता हूं कि इनकी अवैध संपत्ति, थाना प्रभारी की अवैध संपत्ति की जाँच हो और इनकी कॉल डिटेल की जाँच हो तो सारा क्लियर हो जाएगा पिक्चर की कोयला तस्करों को संरक्षण